Hello, greetings to all of you. Welcome to Let's Crack Defence Examinations, the one-stop solution for all the defence examinations in India. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. दोपहर के 12 बज चुके हैं. हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक धमाकेदार लाइव सेशन के साथ. तो कौन कौन लाइव आ चुका है प्लीज जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें. जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें. बहुत बहुत स्वागत है सागरिका आपका. जय हिंद भाई. फटाफट सब लोग आ जाइए, बिल्कुल देर ना करें. दोपहर के 12 बज चुके हैं. जैसा कि आप जानते हैं भाई, ये हमारी जो लाजवाब टीम है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है बेटा. भारत में कोई भी डिफेंस एग्जाम निकालना हो आपको. ऋषभ मिश्रा, रोहित राणा, ऋषभ सभी का स्वागत है. दक्षिणी शर्मा गुड मॉर्निंग, आ जाइए भाई फटाफट सब लोग आ जाइए. आपका परसों एग्जाम है एफकैट का और आज हमारा लास्ट सेशन है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन, जो कि आपको हर एग्जाम की तैयारी कराता है. हम अपने पूरे वादे पे खरे उतरते हैं और बच्चों को जो प्रॉमिस करते हैं वो कमिट करते हैं, वो डिलीवर करके देते हैं. हमने कहा था 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने हैं. अब ये आज हमारा आखिरी सेशन है. जैसा कि आप जानते हैं भाई, आज हमारा बच्चों जो है डेट 10 है. सुनिएगा ध्यान से, एक सेकेंड. ओके, तो आज बच्चों हमारा जो है डेट 10 है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज क्वेश्चन नंबर 451 से लेकर क्वेश्चन नंबर 500 तक करने वाले लास्ट क्वेश्चंस हैं. सो अब बात ये आती है कि आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं भाई. प्रश्न ये है कि आज मैं आपके लिए ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूं. आज बच्चों मैं आपके लिए ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूं. आज आपके लिए बहुत स्पेशल चीज है. आज जो 50 क्वेश्चन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जनवरी 2020 के 30 क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स के. तो जनवरी 2020 के आज हम क्वेश्चंस करेंगे 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो कि बहुत उम्मीद है एग्जाम में आने की. ठीक है, क्योंकि बेटा पूरे 2019 का करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से. लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स वाले जो यूट्यूब चैनल है वहां पर मैं एक साल का करंट अफेयर्स करा चुका हूं. बस एक करंट अफेयर्स बचा है जनवरी 2020 का और मुझे उम्मीद है कि जनवरी 2020 से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे. तो 30 क्वेश्चन तो बेटा आज मैं जनवरी 2020 का कराऊंगा और इसके अलावा 20 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से, जो एक साल की सबसे इंपॉर्टेंट 20 किताबें हैं, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आते हैं. सो जो एक साल की बेटा किताबें हैं बुक्स एंड ऑथर्स, याद रखिए 2019-20 में जो 20 किताबें आई हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो करेंगे. सो 30 क्वेश्चन जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स के होने हैं और बुक्स एंड ऑथर्स होना है बच्चों, आज याद रखिएगा. ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन आज करंट के ही होंगे हमारे. तो भाई सब लोग फटाफट थम्सअप दिखा दो यार, शेयर कर दो, अभी बहुत ही कम लोग वॉचिंग है, फटाफट इसे बढ़ाइए. सो 50 क्वेश्चन आज बड़े स्पेशल होने हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. जैसा कि आप जानते हैं क्रैक सीडीएस एफकैट एंड सीएपीएफ आप हमारे साथ निकाल सकते हैं. आपको यहां डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं बेटा, याद रखिएगा लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं. आपको भारत के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, याद रखिएगा अनअकैडमी प्लस पर. इसके साथ आप देखेंगे कि यहां पर आप देख सकते हैं कौन से बैचेस शुरू हो रहे हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकें. इसके बाद आप देखेंगे यहां पर बेटा आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिलेंगे. आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर. ये सारी बहुत सारी खासियतें हैं. सो बेस्ट वे जो है अनअकैडमी प्लस है. आपको कोई भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो बिल्कुल अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ जाएं, आपको यहां बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं. आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप जो हैं घर बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा बिल्कुल आप क्लासरूम में जैसे पढ़ाई करते हैं उस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप बेटा मैंडेटरी ऐप है, ये डाउनलोड करके रख लो अपने मोबाइल में, याद रखो बच्चों. अनअकैडमी लर्निंग ऐप मैंडेटरी ऐप है भैया. व्हाट्सएप, फेसबुक सब रखते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप क्यों नहीं रखते हो.
ये है बेटा तुम्हारे लिए मैंडेटरी ऐप। भारत में अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करो। उसमें बताओ तुम्हारा एम क्या है, कौन से क्या चीज चाहते हो याद रखना। तो हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। सो क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो ये सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी, याद रखिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी 30 से ज्यादा कैटेगरीज में एग्जाम की तैयारी कराता है, फिर चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, यू नेम इट एंड वी हैव इट, याद रखिएगा। आप हमारे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। इसमें जो सबसे अच्छे सब्सक्रिप्शन है बेटा 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा है। हालांकि जो बेस्ट सब्सक्रिप्शन है वो 12 महीने का है। असल में मैं बताऊंगा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा क्यों है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन बेटा उन लोगों के लिए है जो अभी ग्रेजुएशन में नए हैं और एग्जाम की धीरे धीरे तैयारी करना चाहते हैं, आराम से धीरे धीरे तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है। वैसे मैं बता दूं कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 8,000 रुपए में मिलता है, 8,000 रुपए में सिर्फ। उसमें भी मेरा कोड इस्तेमाल करोगे क्यू लाइव तो 800 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। 7,200 रुपए में आपको साल भर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर। इससे सस्ता बेटा आपको भारत में और कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता, याद रखिएगा। मैं बताता हूं 7,200 रुपए में आपको मिलेगा क्या, यह बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से कि वाई वन ईयर सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट। एक साल का सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो याद रखिएगा बेटा डिफेंस के साल में 10 पेपर्स होते हैं ऑफिसर्स बनने के। भर्ती परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। और साल में 10 बार आपको मौका मिलेगा बेटा ऑफिसर बनने का डिफेंस एग्जाम के तहत, याद रखिएगा। 2 बार ये मौका आपको सीडीएस में मिलेगा, 2 बार ये मौका आपको एफकैट में मिलेगा, 2 बार ये मौका जो है आपको आईनेट में मिलेगा, 2 बार ये मौका एनडीए में मिलेगा, 1 बार ये मौका सीएपीएफ में मिलेगा और 1 बार ये मौका टेरिटोरियल आर्मी में। तो आप देख सकते हैं टोटल 10 मौके आपको मिलते हैं एग्जाम निकालने की, याद रखिएगा 10 मौके मिलते हैं। मैं कहूंगा 10 में 10 पेपर नहीं लेकिन 3-4 तो निकाल सकते हो। तो एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, एक साल के सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। आप जो हैं बेटा कोई सा भी एग्जाम निकालिए, कोई समस्या नहीं है। आपको पूरे साल भर 7,200 रुपए में, मात्र 7,200 में इतने पेपर्स की तैयारी कराई जाएगी बेटा। और आप समझ सकते हैं देश में इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही कम फीस है। आजकल बेटा परिवार के साथ डिनर करने चले जाओ 1 घंटे के लिए तो 3,000-4,000 रुपए खर्चा हो जाते हैं। तो यहां 7,200 रुपए में आपको पूरे साल की भारत के टॉप एजुकेटर्स द्वारा अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, ठीक है बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस सब कुछ मिल रहा है मात्र 7,200 रुपए। इस बैच में आपको पढ़ाने वाला कौन है, तो इंग्लिश पढ़ाएंगे डॉक्टर अमित सिसोदिया, मैथ्स पढ़ाएंगे रणधीर सर, जीएस पढ़ाऊंगा बेटा मैं, जिसमें साइंस का सेक्शन जो है नीतू ढाका मैम पढ़ाएंगी, याद रखिएगा। साइंस का सेक्शन नीतू ढाका मैम पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है कि सीएपीएफ का पेपर 2 कौन पढ़ाएगा, सीएपीएफ का पेपर 2 जो है डॉक्टर अमित सिसोदिया सर पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि इंग्लिश है उसमें। और क्वेश्चन आता है कि सर रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, सो सीएपीएफ की रीजनिंग जो है मोहित कवात्रा सर पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही साउंड एजुकेटर हैं, याद रखिएगा आपके रीजनिंग के, ठीक है बच्चों। तो ये आपके एजुकेटर्स हैं जो आपको लक्ष्य बैच में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। बैच जो है आपका 10 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा रोहित राणा, ठीक है जी। ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा भाई, मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स मैं पढ़ाने वाला हूं, और एक सेक्शन जो है वो साइंस का वो आपकी नीतू ढाका मैम पढ़ाएंगी। तो फोन कर लेना, सब कुछ मालूम चल जाएगा। 8851900221 तुम्हारे लिए ही नंबर निकाला गया है। मेरा कोड इस्तेमाल कर लेना QA Live, QA मतलब कासिफ अंसारी लाइफ, बिना कोई स्पेस के, सारे लेटर्स कैपिटल में, ठीक है बच्चों, क्लियर है, शुरू किया जाए। जय हिंद, आ जाओ बच्चों। तो आज भाई करंट अफेयर्स होंगे जनवरी 2020 के, जो कि अभी तक नहीं हो पाए थे, और आज जो है पूरे एक साल की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स। सो आज के 50 क्वेश्चन काफी स्पेशल हैं, 30 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स के और आपके 20 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स के। चलो देखते हैं कौन कितने सही करता है। शुरू करें, सब लोग आ चुके हैं, फटाफट जल्दी बताइए और शेयर कर दीजिए भाई फटाफट, सब लोग बिना किसी देरी के, ठीक है, जल्दी आ जाइए, शुरू करें।
जय हिंद। चलो भाई, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए, आपकी इजाजत हो तो स्टार्ट किया जाए क्लास को। जरा फटाफट जो है शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आज हमारा डे 10 है, लास्ट डे है, तो आज शुरू करते हैं। चलिए भाई, अब पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, ये देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। ये मुझे आने की पूरी उम्मीद है एफकैट एग्जाम में परसों। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर बिकेम द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर वर्ल्ड वाइड टू विन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। याद रखिएगा, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर बिकेम द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर दुनिया में जिसको प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 मिला है। सो आज तक ये हॉकी खिलाड़ी को नहीं मिला था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूरा 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 आने की चांस है, याद रखिएगा। और क्योंकि इस अवार्ड को हमारे भारतीय ने ही जीता है, इसलिए ये क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रानी रामपाल इज द राइट आंसर, राइट आंसर ई होगा। इंडियंस वुमेन टीम कैप्टन रानी रामपाल, याद रखिएगा, पहली खिलाड़ी हैं इतिहास की जिन्होंने प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आने की चांसेस हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जल्दी बताओ कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? नाज जोशी हैं, विपिन कुमार सक्सेना हैं, हरजीत कौर जोशी हैं, कृष्ण स्वामी नटराजन हैं, या अजय कुमार हैं? फटाफट बताइए। सो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपको मालूम होना चाहिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारे देश के काफी इंपॉर्टेंट पीएसयू है। पीएसयू बोले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें भारत सरकार के शेयर्स जो हैं करीब 63% हैं, याद रखिएगा। और इसमें जो है हरजीत कौर जोशी को बनाया गया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, हमारे देश के जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, सबके सब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। फटाफट शेयर करते रहो यार, बहुत बढ़िया। 453, हु इज अवार्डेड विद द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020? जल्दी बताइए, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए किसको मिला है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भारतीय को मिला है, दुबई बेस्ड इंडियन गर्ल को मिला है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए बेटा। इस लड़की को जो है 13 साल की उम्र में दुनिया की 120 भाषाओं में गाना गाना आता है, 13 साल की उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में दुनिया की 120 भाषाओं में गाना गा सकती है सुचेता सतीश। याद रखिएगा, दुबई बेस्ड इंडियन गर्ल जस्ट 13 इयर्स ओल्ड, जो कि 13 साल की उम्र में जो है 120 भाषाओं में गाना गा सकती है, ठीक है, बिल्कुल। राजवंत कौर, आप एक काम करिएगा, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स जाइएगा, वहां पर आपको पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स मिल जाएगा 2019 का, ठीक है। नेक्स्ट 454 पर आते हैं, हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल एट 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, जल्दी बताइए। सो पूछा गया 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है किसको गोल्ड मेडल मिला है 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, जल्दी बताइए। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 63rd जो है बेटा भोपाल में हुई, और जल्दी बताइए बहुत ही फेमस किसको मिला है, सौरभ चौधरी हैं, राही जीवन सरनोबाट हैं, लक्ष्य सेन हैं, जीतू राय हैं, या हीना सिद्धू हैं? तो याद रखिएगा, बहुत ही फेमस ए शूटर सौरभ चौधरी को यह अवार्ड दिया गया है, राइट आंसर, अरे सॉरी, ये जीता है उन्होंने, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, द फिफ्थ एडिशन ऑफ द एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिलिया रिसर्च कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट विच सिटी ऑफ इंडिया, जल्दी बताइए। तो पूछा गया है द फिफ्थ एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक ड्रोसोफोबिया रिसर्च कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहां पर हुई है याद रखिएगा। और दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, आज तक हमारे देश में पहली बार हुई है, याद रखिएगा ये कॉन्फ्रेंस। तो ये कहां पर हुई है, पुणे में, नई दिल्ली में, मुंबई में, रांची में, भुवनेश्वर में? बहुत बढ़िया, राइट आंसर बेटा ए होगा, पुणे में, याद रखिएगा। 30 टॉप क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है बेटा। छठा क्वेश्चन,
Which paramilitary force of India has decided to observe 2020 as the year of mobility for the welfare of the troops? जल्दी बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6. Which paramilitary forces of India decided the observe 2020 as the year of mobility for the welfare of the troops? जल्दी बताइए. So welfare of the troops के लिए कौन सी हमारी जो फौज है उसने जो है 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी बनाया है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स? जल्दी बताइए. सो बेटा राइट आंसर होगा सी, सीआईएसएफ ने बनाया है. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आप जानते हैं, बहुत ही फेमस फोर्स है हमारे देश की. ठीक है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए हमारे देश के सभी एयरपोर्ट्स इन्हीं की सुरक्षा में रहते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी इनकी सुरक्षा में रहती हैं. 456 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सीआईएसएफ. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7. ऑन 3rd January 2020 जनरल कासिम सुलेमानी वॉज किल्ड इन यूएस ड्रोन एयर स्ट्राइक ऑर्डर्ड बाई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ ईरान्स एलीट. जल्दी बताइए. सो ईरान के किस फोर्स के ये बेटा जनरल थे? जल्दी बताइए. बहुत ही फेमस, आपने सुना होगा मेजर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद जो है बेटा ईरान और यूएसए में काफी ज्यादा बवाल हो रहा है. ठीक है बेटा, जल्दी बताइए किसके ये हैं. ठीक है बेटा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. ये मेजर जनरल रैंक पे थे और बेटा ये किस फोर्स के जनरल थे? सो नेशनलिस्ट फोर्स के थे, कुड्स फोर्स के थे, आपके नेशनल गार्ड थे, कुड्स फोर्सेस के थे या एलीट फोर्सेस के? क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 7वें का राइट आंसर बी होगा, कुड्स फोर्स के थे बेटा, याद रखिएगा. सो राइट आंसर जो है बी होगा, कुड्स फोर्स के ये जो है जनरल थे, मेजर जनरल रैंक पे थे. 458. द WHO हैज डेजिग्नेटेड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स? याद जल्दी बताइए. सो WHO ने, याद रखिएगा फटाफट बताइएगा कि डेजिग्नेटेड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ? जल्दी बताइए. सो कौन से ईयर को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ बताया है? जल्दी बताइएगा फटाफट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. WHO के बारे में आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है. इसकी शुरुआत 1948 में हुई. हेडक्वार्टर्स जो है बेटा वो आपके जिनीवा में है और इन्होंने 2020 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ बताया है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच फिल्म वन द बेस्ट मोशन पिक्चर्स ड्रामा अवार्ड इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020? जल्दी बताइए. सो कौन सी पिक्चर जो है बेटा उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है? ठीक है, मोशन पिक्चर, बेस्ट मोशन पिक्चर्स ड्रामा अवार्ड इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020. तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस पिक्चर को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है? इंसेप्शन 1917, मिसिंग इंग, स्पॉटलाइट, गॉडफादर? याद रखिएगा मोशन पिक्चर्स ड्रामा में जो बेस्ट मूवी है, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में, याद रखिएगा 1917 को दिया गया है, 1917 को दिया गया है, याद रखिएगा. हां जी, बहुत बढ़िया. 460 है. 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2020 इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो 31वां जो है बेटा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2020 में कहां पर जो है स्टार्ट किया गया है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा. इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल याद रखिएगा, साबरमती रिवर फ्रंट पर स्टार्ट किया गया. गुजरात के गवर्नर जिनका नाम है आचार्य देवव्रत और सीएम विजय रूपाणी द्वारा, और ये जो है बेटा गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट पर इसकी शुरुआत हुई. राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा, गुजरात. बहुत बढ़िया भाई साहब, फटाफट शेयर कर दो यार. 89 ही वॉचिंग है, 200 तो पहुंचा दो, आज लास्ट डे है. बहुत बढ़िया. 461. द थर्ड इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन मरीन इकोसिस्टम्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज मिकॉस 3 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? जल्दी बताइए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द थर्ड इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन मरीन इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज मिकॉस 3 हेल्ड इन विच सिटी? जल्दी बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये बेटा जो है 7 से 10 जनवरी 2020 के बीच हुआ, याद रखिएगा. द थर्ड इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन मरीन इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज
ये जो है बेटा कहां पर हुआ है, वॉशिंगटन डीसी में, एम्स्टर्डम में, पेरिस में, लंदन में, कोची में। राइट आंसर जो होगा बेटा वो 461 का ई हो जाएगा, राइट आंसर इज कोची। सो कोची में कराया गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर्स बाय एवरीवन। फटाफट शेयर होता रहना चाहिए, शेयरिंग होती रहनी चाहिए और लाइक होते रहने चाहिए ताकि हम लोग को जो है प्रोत्साहन मिले बेटा, हमारी जो सारी मेहनत है उसको मजा बल तभी मिलता है जब आप उसे शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया, 462, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू लॉन्च अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर द प्रमोशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जल्दी बताइए। सो किच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू लॉन्च अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर द प्रमोशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको मालूम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना जो है भारत की रैंकिंग को इंप्रूव करना है बेटा, मतलब कि भारत में व्यापार करना कितना आसान, कोची इज इन केरला, ठीक है बेटा, भारत में व्यापार करना कितना आसान है या नहीं है, इसके लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है लॉन्च अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर द प्रमोशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिहार, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी बताइए। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत जो है बेटा स्टेट ऑफ तमिलनाडु से हुई है, याद रखिएगा। 462 का राइट आंसर बी है, 463, विच स्टेट लॉन्च्ड माई जीओवी पोर्टल एंड सीएम ऐप टू कम्युनिकेट देयर व्यूज सजेशंस फीडबैक एज वेल एज डिसकंटेंटमेंट ऑफ एनी, जल्दी बताइए। सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है माई जीओवी पोर्टल एंड सीएम ऐप टू कम्युनिकेट द व्यू सजेशन फीडबैक एज वेल एज डिसकंटेंट ऑफ एनी, जल्दी बताइए किस राज्य ने किया है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया है हिमाचल माई जीओवी पोर्टल विच विल हेल्प टू स्ट्रेंथन पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस, और इन्होंने चीफ मिनिस्टर्स ऐप लॉन्च करी है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह किया है। राइट आंसर जो है बेटा सी है, याद रखिएगा। 463 का राइट आंसर सी है। 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द फर्स्ट एवर इनोवेशन फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जल्दी बताइएगा। सो कौन से स्टेट में फर्स्ट एवर इनोवेशन फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड, इनोवेशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया इन पार्टनरशिप विद द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जल्दी बताइए। सो कौन से राज्य में हुआ है, जल्दी बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए। सो इनोवेशन फेस्टिवल जल्दी बताइएगा, बिहार, मेघालय, केरला, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एवर इनोवेशन फेस्टिवल, आज तक के इतिहास में पहला इनोवेशन फेस्टिवल जो है, और ये भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज्यादा आने लगे हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर इज ई, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन है इसलिए एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा हो जाती हैं। 465 पर आते हैं, ये देखिए, संप्रीति 9 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, जल्दी बताओ, संप्रीति 9 अभी हुई है रिसेंटली बेटा, जल्दी बताइए। तो संप्रीति 9 जो है किसके बीच हुई है, ये डिफेंस एक्सरसाइज जो है आपको मालूम होना चाहिए, ये उमरॉय नाम की एक जगह है, उमरॉय, उमरॉय जगह कहां पर है बेटा, ये आपकी मेघालय में है, याद रखिएगा। संप्रीति 9 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किसके बीच में, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, जल्दी बताइए। सो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, सो भारत और बांग्लादेश के बीच है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 465 का डी हो जाएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। 466, वॉट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 ऑर्गेनाइज बाय द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी इन न्यू दिल्ली, जल्दी बताओ। थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट, वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 जो कि आपका द ऑर्गेनाइज बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जल्दी बताइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेरी जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, 29 जनवरी और से लेकर 31 जनवरी के बीच हुई है, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या है, फॉरवर्ड टू 2030 मेकिंग द डिकेट सस्टेनेबल, 2020 मेकिंग द फ्यूचर ऑफ द डिकेट्स, टूवर्ड्स 2013 मेकिंग द डिकेट काउंट, अटेनिंग द 2030 एजेंडा, डिलीवरिंग ऑन द प्रॉमिस, नन ऑफ दीज, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है बेटा सी जो कि है टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेट काउंट, ठीक है बेटा। 466 का राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा।
ठीक है, 466 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन नेम्ड एज द ऑक्सफर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑक्सफर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे रखा गया है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019। बेटा ये कटाक्ष भी है एक तरह से, आप देख सकते हैं, संवाद, संविधान, संचार, संबोधन या प्रबोधन, जल्दी बताइए। तो आपको मालूम है कि हमारे देश में आजकल एक चीज को लेकर काफी बवाल चल रहा है, उसी को रख के इन्होंने किया है। सो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 जो है वो है संविधान, क्योंकि हमारे भारत में जो है संविधान को लेकर काफी ज्यादा बवाला हुआ इधर पिछले एक साल में, इसलिए संविधान शब्द को जो है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है। राइट आंसर 467 का राइट आंसर बी होगा। फटाफट शेयर करते रहिए, बहुत बढ़िया। 468 में आते हैं। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी हैज बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, जल्दी बताओ। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ किस कंट्री, जल्दी बताइएगा, फटाफट जल्दी बताइए। नए प्राइम मिनिस्टर कहां के बने हैं, जल्दी बताइए। यूएई, कतर, सऊदी अरब, लेबनान या यमन, याद रखिएगा, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी जो है बेटा न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर, कतर के जो राजा हैं उन्होंने बेटा इन्हें जो है नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है कतर का। राइट आंसर 468 का बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 468 मतलब क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। द इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन वैनिला इन द सदर्न इंडियन ओशियन टू असिस्ट द पीपल ऑफ विच कंट्री हु आर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन डायन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सो इंडियन नेवी लॉन्च एन ऑपरेशन वेनिला इन द सदर्न इंडियन ओशियन, सदर्न इंडियन ओशियन टू असिस्ट द पीपल ऑफ विच कंट्री हु आर अफेक्टेड बाय साइक्लोन डायन, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या होगा, आपको मालूम है कि भारत सरकार से मदद मांगी गई थी इस मामले में और भारत सरकार ने इंडियन नेवी को भेजा था ऑपरेशन वैनिला में, जो कि कहां पर हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैडागास्कर। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत चांसेस हैं बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन रेलवेज हैज कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन विच सिटी ऑफ इंडिया। सो इंडियन रेलवे ने, याद रखिएगा, हैज कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। सो बेटा वेस्ट से एनर्जी बनाई जाएगी, कहां पर लगाया है इंडियन रेलवे ने, जल्दी बताइए, फास्ट आंसर जल्दी बताइएगा, ठीक है बेटा। 1.79 करोड़ की मदद से बनाया गया है और 500 केजी वेस्ट को बेटा जो है ये कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। राइट आंसर रायपुर, न्यू दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर या मुंबई, याद रखिएगा, भारत सरकार ने ये पहला प्लांट लगाया है बेटा आपका भुवनेश्वर में। तो 20 क्वेश्चन नंबर 470 का राइट आंसर डी है, जल्दी बताइए। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड फॉर 2019, जल्दी बताइए। सो कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल सिटीजनशिप प्राइज, सो ग्लोबल सिटीजनशिप प्राइज है सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड, ये किसको मिला है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया, ये अवार्ड किसको मिला है। रिपन कपूर हैं, कन्हैया कुमार हैं, प्रिया प्रकाश है, योगेंद्र यादव हैं, अरुण नवेतिया हैं। सो ये किसको मिला है, याद रखिएगा, ये अवार्ड मिला है बेटा, इसमें $2.5 लाख का भी बकायदा कैश प्राइस था और ये अवार्ड जो है बेटा वो प्रिया प्रकाश जी को मिला है, याद रखिएगा, हु इज द सीईओ ऑफ द इंडियन बेस्ड हेल्थ सेट गो। सो हेल्थ सेट गो इंडियन बेस्ड कंपनी है, उसकी जो है ये थी, इस वजह से इनको दिया गया है, प्रिया प्रकाश 471। हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट एज द थर्ड अंपायर इन अ मेंस इंटरनेशनल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली, याद रखिएगा कि पहली, फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट एज द थर्ड अंपायर इन द मेंस इंटरनेशनल मैच में, जल्दी बताइएगा कौन होंगी, फटाफट जल्दी बताइएगा फटाफट। सो ये बेटा हु विल बी द फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट एज द थर्ड अंपायर इन द मेंस इंटरनेशनल मैच, जल्दी बताइएगा। अंजुम चोपड़ा हैं, मिताली राज हैं, जैकलीन विलियम्स हैं, शशिकला श्रीवर्धने हैं, मेगन मोरला लैनिंग हैं। राइट आंसर जो होगा बेटा वो आपका है जैकलीन विलियम्स, याद रखिएगा, जैकलीन विलियम्स इज द राइट आंसर और जैकलीन विलियम्स जो हैं बेटा याद रखिएगा, शी इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज, ये करेंगी फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट एज अ थर्ड अंपायर इन द मेंस इंटरनेशनल।
राइट आंसर इज सी, जैकलीन विलियम्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज. ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन WEF's फर्स्ट सोशल मोबिलिटी इंडेक्स. जल्दी बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो WEF है आपको मालूम है, रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ सोशल मोबिलिटी इंडेक्स ऑफ 2020 अहेड ऑफ 50th मीटिंग एट डेवोस. द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इज द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी. इंडिया हैज बीन रैंक्ड वेरी लो 70. बताओ बेटा, याद रखो, तो सोशल सिक्योरिटी को लेकर हुआ था, बस अभी आज ही हो जाएगा सार्थक संधु, आज शाम तक हो जाएगा, याद रखिएगा. मतलब इसमें टोटल 82 देश ही थे बेटा, टोटल कितने 82 देश थे. अब 82 देशों में याद रखिएगा सोशल मोबिलिटी में भारत की हालात क्या है. देख रहे हो बेटा 76 स्पॉट है, 82 देशों में 76वां स्पॉट हमारे भारत को मिला है, जो कि काफी खराब है बेटा, काफी खराब है. तो सिर्फ 82 देश थे, इसमें भारत की रैंकिंग जो है 76वें स्थान पर है, काफी खराब है. नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्म्ड विद द चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड फॉर सोशल वेलफेयर बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एट फंक्शन इन न्यू दिल्ली. जल्दी बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 24474 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्म्ड विद द चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड. जल्दी बताइए, चैंपियंस ऑफ चेंज बाई फॉर सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर को लेकर बहुत ही फेमस रहे अभी हमारे देश में एक सीएम जो है बेटा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी या रघुवर दास, आपको मालूम होना चाहिए जो है चुनाव भी जीता है, याद रखिएगा हेमंत सोरेन. इनको सोशल चेंजेस के लिए काफी अच्छा काम किया, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है. राइट आंसर इज बी, हेमंत सोरेन इज द राइट आंसर. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑस्ट्रेलियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाइएस्ट अवार्ड किसको दिया गया है, जल्दी बताइएगा, जल्दी. बहुत बढ़िया, ठीक है, किसको मिला है, शाहरुख खान, किरण मजूमदार, शॉ, अमिताभ बच्चन, अजीम हसीम प्रेमजी या नॉन ऑफ दीज. जल्दी बताइएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसको मिला है, याद रखिएगा किरण मजूमदार शॉ को मिला है. आपको मैं बता दूं कि यूएई का जो सबसे हाईएस्ट प्राइस था वो हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिला है. फ्रांस का सबसे हाईएस्ट प्राइस जो है वो बेटा एएस किरण कुमार को मिला है इस साल. मेक्सिको का हाईएस्ट प्राइस जो है वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिला है. आपका मालदीव्स का हाईएस्ट प्राइस जो है वो भी आपका नरेंद्र मोदी को मिला है. और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है किरण मजूमदार शॉ है. ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट अवार्ड इज इक्विवेलेंट टू द भारत रत्न ऑफ इंडिया. ठीक है, सो 475 का राइट आंसर भी है, 476. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द 26th एनुअल क्रिस्टल अवार्ड फॉर द ईयर 2020 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. जल्दी बताइए, पूछा गया है यहां पर, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द 26th एनुअल क्रिस्टल अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. जल्दी बताइएगा, किसको दिया गया है. मेंटल हेल्थ को लेकर काफी काम किया इन्होंने, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है. ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण. जल्दी बताइएगा फटाफट, ये अवार्ड किसको मिला है. ये अवार्ड मिला है आपकी मिसेस दीपिका पादुकोण जी को. ठीक है बेटा, 476 का राइट आंसर जो है, बहुत बढ़िया ये है. 477, द टीम ऑफ द इंडियन कॉन्सुलेट हैज वन द डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ द 20 हेल्ड इन. जल्दी बताइए, आपको मालूम है कि इंडियन कॉन्सुलेट हैज वन द डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 कहां हुई थी. जल्दी बताइएगा, ये बहुत अच्छा है. अच्छा, अच्छी बात यह है कि डिप्लोमेसी में भी जो फाइनल में पहुंचे थे वो इंडिया और पाकिस्तानी पहुंचे थे. तो डिप्लोमेसी में भी फाइनल में इंडिया और पाकिस्तानी पहुंचे थे. अब आप सोच सकते हैं कि 8 देशों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, और ये जो है डिप्लोमेसी कप जो है बेटा भारत ने जीता है शारजा में पाकिस्तान को हराकर. सो हमारे भारत के खिलाड़ी जो है पाकिस्तान को हर जगह हराते हैं, चाहे कहीं भी हो, कोई भी मैदान आप चुन लो, हराएंगे तो हम ही बेटा. ठीक है, 477 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 478. ठीक है, नेक्स्ट आता है, बहुत बढ़िया, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना. जल्दी बताइएगा. ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है बेटा, याद रखिएगा, किस राज्य ने निकाला है. जल्दी बताइए,
मध्य महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जल्दी बताइए फटाफट। सो ये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जल्दी बताइएगा। इसमें 18 से 70 साल के किसान जो हैं शामिल होंगे, और ये जो है बेटा उत्तर प्रदेश की सरकार निकाला है। 478 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 479, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया ओपेंड इट्स फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेक्शन सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 479 जल्दी बताइएगा। तो जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा कि भारत सरकार ने किस देश में जो है महात्मा गांधी कन्वेक्शन सेंटर खोला है, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया। सो ये जो है बेटा याद रखिएगा, जल्दी बताइए कहां पे खोला है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए फटाफट कहां पर ये खोला है बेटा। शायद आपका जो है नाइजीरिया में, ठीक है, नाइजर में, सॉरी, नाइजर, नाइजर इज द राइट आंसर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 479 का राइट आंसर सी है। और लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू लॉन्च द ई पासपोर्ट फैसिलिटी, जल्दी बताइएगा। तो ई पासपोर्ट फैसिलिटी जो है बेटा, जल्दी बताइए किस साउथ एशियन कंट्री ने सबसे पहले निकाली है फास्ट। सो ई पासपोर्ट फैसिलिटी जल्दी बताइएगा किस साउथ एशियन कंट्री ने पहली बार निकाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी। बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, नन ऑफ दीज। याद रखिएगा, बांग्लादेश पहला साउथ एशियन कंट्री है जिसने ई पासपोर्ट फैसिलिटी निकाली है। बांग्लादेश काफी इस समय, मैंने देखा 2019 में काफी अच्छा काम किया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने सच बताऊं तो बेटा यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर था उसमें बहुत फायदा उठाया, और चाइना के पास जो है यूएस कंपनियां नहीं जा रही थी अपनी फैक्ट्रीज लगाने, तो बांग्लादेश ने कहा कि भैया आओ हमारे देश में लगाओ। बांग्लादेश ने बहुत फायदा किया, और आपको बिलीव नहीं करेंगे लेकिन 2019 में बांग्लादेश की जो GDP थी वो 8.5% के रेट पर बढ़ी है, आप सोचिए। सो कहते हैं ना बेटा, यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर में अगर सबसे ज्यादा किसी ने फायदा उठाया है तो बांग्लादेश ने, जिसकी GDP 2019 में 8.5% के रेट से बढ़ी है। तो कहते हैं बेटा इसने बहुत फायदा उठाया है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये होगा बेटा आज के 30 क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन बचे हैं। अब 20 क्वेश्चन जो हैं वो बुक्स एंड ऑथर्स के हैं, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको बेटा मैं एक क्वेश्चन फंसवा दूं बुक्स एंड ऑथर्स से, कह कैसे भी हो। सो मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा बैच के बारे में फिर से एक बार, बेटा ये बैच बिल्कुल श्योर शॉट बैच आ रहा है बेटा, याद रखिएगा, ये श्योर शॉट बैच आ रहा है बेटा हमारा CDS 2 और CAPF के लिए, जो कि 2 मार्च से शुरू होगा। 300 घंटे से ज्यादा स्टडी आवर्स, 200 लाइव क्लासेस, PDF क्विजेस, डेडिकेटेड डाउट सेशन, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। कोई भी डाउट हो यहां फोन कर लेना, तुम्हारे सारी चीजें यहां दिखाई दी जाएंगी, ठीक है बेटा, सारी की सारे डाउट्स तुम्हारे यहां पे सॉल्व कर दिए जाएंगे। चलो भाई बाकी 20 क्वेश्चन पे शुरू करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए अब बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडियन रेलवे, जल्दी बताइए। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, 2019 और 2020 के जनवरी तक जो इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं वो बता दे रहा हूं, इनमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी चांस है, जल्दी बताइएगा। सो ऑथर ऑफ द बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे किसने लिखी है, जल्दी बताइएगा। ये जो है फिलिप रॉथ ने लिखी है, राजेंद्र बी अकलेकल ने लिखी है, पवन ने लिखी है, इस्माइल कादरे या ओल्गा, किसने लिखी है बेटा, याद रखिएगा। वेटरन जर्नलिस्ट एंड ऑथर, हमारे देश के बहुत ही पुराने वेटरन जर्नलिस्ट और ऑथर, जिनका नाम है राजेंद्र बी अकलेकल जी ने किताब लिखी है, राइट आंसर बी है। 481 का राइट आंसर बी है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, रिसेंटली सितंबर 2019 फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड शिक्षा हिज एक्सपेरिमेंट्स एज एजुकेशन मिनिस्टर, हु हैज ऑथर्ड द बुक, जल्दी बताइएगा। सेप्टेंबर, रिसेंटली सेप्टेंबर 2019 फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड शिक्षा हिज एक्सपेरिमेंट्स एज एजुकेशन मिनिस्टर, उस किताब को किसने लिखा है, 482, जल्दी बताइए किसने लिखा है ये किताब। आपको मालूम है शिक्षा के लिए भारत में एक ही इंसान सबसे ज्यादा मशहूर है बेटा, रमेश पोखरियाल निशांक, मनीष सिसोदिया, डॉक्टर दिनेश शर्मा, KN प्रसाद वर्मा, नन ऑफ दीज। सो ये किताब जो है जाहिर सी बात है दिल्ली के डिप्टी CM श्री मनीष सिसोदिया साहब,
जिन्होंने काफी काम किया है शिक्षा को लेकर भारत में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी आ सकती है। ये किताब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीइंग गांधी विच विल मार्क द 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ये किताब किसने लिखी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट किताब है, बीइंग गांधी। सो ये बीइंग गांधी नाम की जो किताब है ना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। अरुंधति रॉय, विक्रांत खन्ना, पारो आनंद, जल्दी बताइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस बुक एक्सप्लोर्स नॉट गांधी द मैन ऑफ हिज लाइफ और लीडर बट रियली गांधीयन वे दैट मस्ट रिमेन रिलेवेंट टू अस। याद रखिएगा, 150वीं एनिवर्सरी गांधी जी की थी, उस पर लिखी गई थी ये किताब, और पारो आनंद जी ने किताब लिखी है, 483। बहुत बढ़िया, अच्छी किताबें हैं बेटा, ये सब पूरे साल की जो सबसे फेमस किताबें हैं वो आपको करा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। Who has authored the book titled The Tech Whisperer, which features chapters on artificial intelligence? जल्दी बताइए। So who has authored the book titled The Tech Whisperers, which features the chapter of artificial intelligence? जल्दी बताइए, किताब किसने लिखी है, बहुत ही फेमस बेटा ये किताब किसने लिखी है, जल्दी बताइए। The Tech Whisperers, which features chapters on artificial intelligence, ये किताब जो है बेटा याद रखिएगा, हमारे एक बहुत ही फेमस आईटी के एक्सपर्ट श्री जसप्रीत बिंद्रा साहब ने लिखी है। 484 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, जसप्रीत बिंद्रा साहब, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, इस किताब को किसने लिखा है, जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, याद रखिएगा, ऐसी किताब एग्जाम में आती हैं। ये किताब जो है बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द बुक द डायरी ऑफ मनु गांधी विच वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द प्रहलाद सिंह पटेल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इज एडिटेड एंड ट्रांसलेटेड बाय, जल्दी बताइए। ये किताब है बैठा द बुक डायरी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे है, यहाँ पे पूछा गया है डायरी ऑफ मनु गांधी, इस किताब को किसने जो है एडिट और ट्रांसलेट किया है, जल्दी बताइएगा। सुधा मूर्ति, त्रिदीप सुहृद, प्रीति शिनॉय, अनीता नायर या मीना, तो राइट आंसर जो होगा वो त्रिदीप सुहृद होंगे बेटा, राइट आंसर जो है बी है, ठीक है। 467, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैन बुकर प्राइज बुक शॉर्टलिस्टेड नॉवेल सन कैचर सेट टू रिलीज इन नवंबर 2019, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट, और बेटा इसे जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है मैन बुकर प्राइज के लिए, याद रखिएगा। सन कैचर, इस किताब को किसने लिखा है, याद रखिएगा, ये किताब बहुत ही फेमस किताब है, और इस किताब को बेटा श्रीलंकन ऑथर ने लिखा है, याद रखिएगा, सलमान रशदी, रोमेश गुनेसेकरा, मार्गरेट आर्टवुड, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, इस किताब को जो है श्रीलंकन ऑथर रोमेश गुनोसेकरा ने लिखा है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। 488, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द यूनिकेट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा अनक्वाइट रिवर द बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर, कहते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की आत्मकथा है। ब्रह्मपुत्रा रिवर की आत्मकथा, जल्दी बताइए, बिल्कुल देंगे, अभी रुक जाइए आदित्य कुमार साहब, ब्रह्मपुत्रा रिवर की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, ये याद रखिएगा, किताब लिखा है अरूप ज्योति साइकिया ने। अरूप ज्योति साइकिया, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवी किताब है द ग्रेट गेम इन द बुद्धिस्ट हिमालयस इंडिया एंड चाइना क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस इज रिटन बाय, जल्दी बताइए, किताब का नाम है द ग्रेट गेम इन द बुद्धिस्ट हिमालयस, इंडिया और चाइना के ऊपर ही किताब लिखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है, किताब किसने लिखी है, जल्दी बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये किताब किसने लिखी है, एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन, डिप्लोमैट और ऑथर ऑन द फॉरेन पॉलिसी पंचोक स्टोडबैन ने लिखी है, पंचोक जो है स्टॉपडन ने किताब लिखी है बेटा, बुक टाइटल द ग्रेट गेम इन द बुद्धिस्ट हिमालयस इंडिया एंड चाइनास क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है द बुक टाइटल बिकमिंग अ गाइडेड जर्नल फॉर डिस्कवरिंग योर वॉइस इज ऑथर्ड बाय, जल्दी बताइए, 490 में पूछा गया है कि अ बुक टाइटल्ड बिकमिंग अ गाइडेड जर्नल फॉर डिस्कवरिंग योर वॉइस, इस किताब को किसने लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा, 19 नवंबर 2019 को किताब रिलीज की गई, और हिलारी क्लिंटन, मिशेल ओबामा, मेलिंडा गेट्स, मेलिना ट्रंप या सेरेना विलियम्स, इस किताब को बेटा बराक ओबामा जी की धर्मपत्नी श्रीमती मिशेल ओबामा जी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल द फार फील्ड
which has won 2019 JCB Prize for Literature, the most expensive award for writing. याद रखिएगा, सबसे expensive award होता है writing के लिए, जिसका नाम है JCB Prize 2019 का, और किताब का नाम था The Far Field. ये किताब किसने लिखी थी याद रखिएगा, जल्दी बताइएगा. माधुरी विजय, जुम्पा लहरी, चित्रा बनर्जी, किरण देसाई या अमीश त्रिपाठी, याद रखिएगा. US based इंडियन ऑथर ने किताब लिखी है. इस किताब के लिए ने 25 लाख रुपए भी अवार्ड दिया गया. माधुरी विजय इज द राइट आंसर. राइट आंसर इज ए माधुरी विजय. नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एक्सीडेंटल मैजिक विच चैनल्स हैरी पॉटर नॉस्टैल्जिया एंड स्ट्रैडल, जल्दी बताइएगा. सो हुज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड एक्सीडेंटल मैजिक विच चैनल्स हैरी पॉटर नॉस्टैल्जिया एंड स्ट्रैडलिस, जल्दी बताइएगा फटाफट. फार, ये बहुत अच्छी किताब है एक्सीडेंटल मैजिक, ये किताब किसने लिखी है जल्दी बताइए. जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा. ये किताब जो है केशव गुहा जी ने लिखी है. राइट आंसर सी होगा, केशव गुहा. याद रखिएगा अपनी जो है ये डेब्यूट नॉवेल थी बेटा केशव गुहा की, याद रखिएगा. 10 नवंबर को पब्लिश हुई है हार्पर कॉलिंस द्वारा, ठीक है. हु रिलीज द एसमीज वर्जन ऑफ द बुक कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, जल्दी बताइएगा. हु रिलीज द एसमीज वर्जन ऑफ द बुक कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, जल्दी बताइएगा. इस किताब को किसने रिलीज किया था जल्दी बताइएगा. इस किताब को गुवाहाटी में रिलीज किया गया रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी जी द्वारा. रंजन गोगोई, आपको मालूम है बेटा रंजन गोगोई साहब जो हैं उन्होंने किताब रिलीज की थी, याद रखिएगा. 494 का राइट आंसर सी होगा, रंजन गोगोई. नेक्स्ट, हु हैज ऑथर्ड द बुक एन एक्सट्रीम लव ऑफ कॉफी लॉन्च्ड इन स्टारबक्स मुंबई, जल्दी बताइएगा. एक्सट्रीम लव ऑफ कॉफी, इस किताब को किसने लॉन्च किया स्टारबक्स मुंबई में, इस किताब को किसने लिखा है. एक बहुत ही फेमस जो है बेटा आपके कॉलमनिस्ट हैं और राइटर हैं, उन्होंने किताब लिखी है. एक फेमस राइटर और कॉलमनिस्ट हैं, चित्रा बनर्जी हैं, अमीश त्रिपाठी हैं, हरीश भट्ट हैं, रविंदर सिंह हैं या प्रीति शनॉय हैं. सो याद रखिएगा, ठीक है. ये जो है बेटा हरीश भट्ट जी ने लिखी है, बहुत बढ़िया. 495 का राइट आंसर सी है. नेक्स्ट आता है, रिलीज्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सो बेटा ये जो है वाइस प्रेसिडेंट हमारे वेंकैया नायडू द्वारा रिलीज की गई है किताब अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी. ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, जेपी नड्डा, रीता बहुगुणा, रामकृष्ण राव, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, जल्दी बताइएगा जल्दी. याद रखिएगा बेटा ये जो है, ठीक है, राइट आंसर होगा रामाकृष्णा राव. राइट आंसर जो है सी है, रामाकृष्णा राव, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट आता है, नेम द बुक रिटन बाय पीएम मोदी विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन ब्रेल एडिशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी बताइए. ये क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है, ठीक है बेटा जल्दी बताइएगा. हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हैं श्री थावरचंद गहलोत, रिलीज अ ब्रेल एडिशन ऑफ द बुक, जल्दी बताइए. ब्रेल एडिशन मतलब जिनको आंखें नहीं होती हैं, याद रखिएगा. सो ब्रेल एडिशन ऑफ द बुक जो गांधी हमारे पीएम मोदी साहब ने लिखी है कौन सी है याद रखिएगा, वो है बेटा आपकी एग्जाम वॉरियर्स. 497 का राइट आंसर डी है. नेक्स्ट आता, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म, जल्दी बताइए. पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म ये किताब किसने लिखी है, बहुत अच्छा है. जल्दी बताइए, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म, सबा नकवी है, आरपीएन सिंह है, शशि थरूर है, आरएस वर्मा है या झंपा लहरी हैं. राइट आंसर है श्री आरपीएन सिंह, जो कि कांग्रेस की सरकार में जो है बेटा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द होम अफेयर्स भी रह चुके हैं. राइट आंसर होगा, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट आता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल टर्बुलेंस एंड ट्रायम द मोदी ईयर्स, ये भी एग्जाम में आ सकती है याद रखिएगा. ठीक है, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय तो हो ही नहीं सकती है बेटा, ये तो इनकी बनती नहीं है सरकार से बिल्कुल. ठीक है, राहुल अग्रवाल एंड भारतीय एस प्रधान, ये किताब आने के चांस बहुत ज्यादा एग्जाम में याद रखिएगा. तो ये किताब को राहुल अग्रवाल और भारतीय एस प्रधान ने लिखी है, याद रखिएगा. और लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स ऑफ द बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, जल्दी बताइए किताब किसने लिखी है. शशि थरूर एंड सलमान रशदी, चेतन भगत, अमिताभ घोष, झुम्पा लहरी, अनीता देसाई, बोरिया मजुमदार एंड नलिन मेहता, जल्दी बताइएगा.
भारत की जर्नी बताई गई है बेटा ओलंपिक्स में, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है बेटा बोरिया मजूमदार एंड नलिन मेहता। बहुत बढ़िया, ये हो गया बेटा आपके सारे क्वेश्चन। अब इसका पीडीएफ आप कहेंगे सर कहाँ मिलेगा, अभी इसका पीडीएफ एक घंटे बाद मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस भाई कासिफ अंसारी से जाके उठा लेना। सो जीएस भाई कासिफ अंसारी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं अभी ये डाल दूंगा, ठीक है, वहां से ले लेना। सो जीएस भाई कासिफ अंसारी मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस वहां से जाकर इसे उठा लेना, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर करना क्या है, देखो भाई करना ये है, परसों है पेपर, तो परसों है पेपर, तो अब जो है बेटा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है नया। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, याद रखिएगा, अब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ बेटा जो है क्या करना है कि 220 प्लस की स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है, दोनों भाषा में आएगा मिस्टर एजे, कोई समस्या नहीं है। सो अब आपको करना क्या है, अभी डाल देता हूं बेटा सौरभ गुप्ता, अभी अभी क्या नाम है ये करंट अफेयर्स वाला भी डाल देता हूं, ये वाला जो आपको दिया है, ठीक है। अच्छा जी, योगेंद्र शर्मा आई सपोर्ट सी ए, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, आप सपोर्ट करिए कोई परेशानी नहीं है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट मिनट टिप्स ये हैं बेटा कि आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। अब एफकैट का कट ऑफ कितना जाएगा अभिषेक, वो तो मैं अब देख के ही बता पाऊंगा पेपर को, ठीक है। तो आज का समय वैसे ही खत्म हो गया, मेरे पास ज्यादा समय है नहीं। सो अब बस लास्ट मिनट टिप्स ये है कि अगले दो दिन में अब आपको करना क्या, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे का दिन उठाना, और फ्राइडे के दिन में क्या करना है बेटा, सिर्फ रिविजन करना है, सिर्फ रिविजन करना है, इन 10 वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लेना बस, और कुछ ना करना, और उसके बाद बस कुछ भी ना करना, कल रात 8 बजे के बाद बिल्कुल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा सागरिका सिंह मैं देखता हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अभिषेक नहीं बता सकता, मैं पहले देखूंगा पेपर फिर बताऊंगा। यस बिल्कुल, जीएस जो है बेटा सीडीएस का रिजल्ट बेटा एक महीना और लगेगा अभी आने में, ठीक है। यस आदित्य कुमार बिल्कुल, 500 क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको दिए हैं, ये मैंने आप कोशिश हमेशा ये कही है कि, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी होंगी, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी बेटा, ठीक है, और मैंने जो थोड़ी बहुत मेहनत की है, ठीक है, वो आपके लिए कुछ अच्छी रही होगी, मैं जितना कर सकता हूं बेटा उतना करता हूं आपके लिए, बस इससे ज्यादा मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं जितना करता हूं बस उतना ही होता। अब अगली सीरीज क्या होगी, अब बेटा अगली सीरीज वापस से बस समझ लीजिए अब CDS 2 और CAPF के लिए आ रही है, अब अगली सीरीज CDS 2 और CAPF के लिए शुरू हो रही है। कल मैं 12 बजे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूं CDS पर, कल 12 बजे 12 PM पर मैं एक CDS का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूं, याद रखिएगा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू PSY यादव साहब, कल 12 बजे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है CDS 2 और CAPF के लिए, आइएगा जरूर सब लोग, ठीक है, कल सारे लोग जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कल 12 बजे CDS 2 और CAPF का एक इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रखिएगा, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ सब कुछ बताऊंगा। कल CAPF होता है बेटा सेंट्रल, जो हमारा जो आर्म पुलिस फोर्सेज, जो कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, CAPF होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बेटा सौरभ गुप्ता, CRPF, CISF, ITBP, BSF, ये सब, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं, कल मिलेंगे 12 बजे, कल 12 बजे मिलेंगे बेटा, याद रखिएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया, नॉलेज बूस्टर, ठीक है, बिल्कुल आएंगे, ठीक है, सब कुछ बताएंगे आपको, कल आइएगा, कल 12 बजे आपसे बहुत बढ़िया डिस्कशन करेंगे, कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा जो है कल जो है एक 12 बजे बहुत बड़ा सरप्राइज है, सब लोग जरूर आइएगा, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, तबाही मचा देना बेटा एग्जाम में, ठीक है, तबाही मचा देना। CAPF के बारे में कल बताऊंगा बेटा, टेंशन ना लो, कल बताऊंगा, सौरभ गुप्ता कल आना, ठीक है, तबाही मचा देंगे एग्जाम में, बिल्कुल थोड़ी बहुत नहीं, बहुत भयंकर तबाही मचाएंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू, सो थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, ऐप पर शो हो जाएगा न्यू बैच आज शाम तक, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा QA लाइफ,
और हमें कमेंट जरूर देके बताइएगा कि आपको क्लासेस हमारी कैसी लगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।